हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं। बेटा आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा जी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला हेड है सैलरी, उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद है पीजीबीपी, उसके बाद है कैपिटल गेन और उसके बाद है अदर सोर्सेस। ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है और आज कौन सा हेड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? हेड का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, किस प्रॉपर्टी को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो चीज समझना जरूरी है। और आपको बता दूं कि अगर आपने देखा होगा कि हर एक घर के बाहर कोई ना कोई चौकीदार खड़ा होता है, तो इनकम टैक्स का मैंने कहा था यह एक मोहल्ला है, ये एक मोहल्ला है पूरा, और ये इस मोहल्ले में रहने वाले घर। तो हर एक घर के बाहर कोई ना कोई चौकीदार खड़ा होगा, उस चौकीदार को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है भाई साहब, ये एक ऐसा चीज है जो आपको बताता है कि इस घर में कौन कौन लोग आ सकते हैं, मतलब कौन सी इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ऐड कर सकते हैं, किस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माने, वो बताता है चार्जिंग सेक्शन। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, वैसे ही हर एक हेड का हमारे पास चार्जिंग सेक्शन होता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बताता है, सुनना। सेक्शन 22 बताता है कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, वर्ड सुनना मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से आप रेंट कमा रहे हो, तो उस पैसे को आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई लैंड है, अगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई लैंड है, तो उस बिल्डिंग से या उस लैंड से आने वाला कोई भी पैसा आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। यह मेरा एक मकान है और यह मेरी इतनी जमीन, इसको मैं हाउस वन बोलूंगा, और यह मेरी खाली जमीन। फिर मुझे अचानक से लगा कि एक मकान में यहां पे भी बना लेता हूं, इसका नाम रखा हाउस टू। देखना, पूरी जमीन मेरी है, हाउस वन और हाउस टू, इन दोनों को मिलाने के लिए मैंने एक यहां पे एक अप्रोच रोड बनाया। ये देखना, मैं रोड बना रहा हूं, इससे मैं क्या कर रहा हूं, जब भी मुझे एक घर से दूसरे घर जाना हो तो मैं इस रोड के थ्रू जाता हूं। और यहां पर मैंने बनाया किचन, इस घर से इस घर में किचन में आने के लिए यह रास्ता है, इस घर से इस किचन में आने के लिए यह रास्ता है, और अप्रोच रोड से भी यह रास्ता किचन के लिए जाता है। और यह जो सामने आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यह मेरा है लॉन, यहां पे मेरा लॉन है, यह मेरा है लॉन। अब आपसे मैं क्या सुनना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि इस हाउस पूरे प्रॉपर्टी में, ये पूरी जो प्रॉपर्टी में है, किस पार्ट को हम हाउस प्रॉपर्टी मान लें? सर
हमें लगता है आपको इस हाउस वन और हाउस टू को हाउस प्रॉपर्टी मान लेना चाहिए। जवाब है बिल्कुल सही, हाउस वन को हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे, हाउस टू को हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। क्या इस किचन को हाउस प्रॉपर्टी मान लें? जवाब है हां। सर हम समझ गए, हाउस का मतलब होता है मतलब चार दीवार और एक छत। जहां पे चार दीवारें और एक छत होगी उसका मतलब इसको हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। मतलब बच्चे आपके कहने का मतलब है इस लॉन को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलें कि नहीं बोलें? सरकार ने कहा इस लॉन को भी हाउस प्रॉपर्टी बोलो। सर इसका मतलब अगर ये डेफिनेशन जो आपने बताया था ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ना चार दीवार ना कोई छत, ना छत ना चार दीवार, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सरकार ने कहा ना दीवारों से कोई मतलब है, ना छत से कोई मतलब है, मुझे मतलब है हाउस प्रॉपर्टी से। और इसमें जो ये रोड भी आते हैं इसको भी हाउस प्रॉपर्टी मान लो, ये जो अप्रोच रोड है इनको भी हाउस प्रॉपर्टी मान लो। ओ माय गॉड, मतलब सर अगर यहां बाहर कोई सड़क है तो इसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी मान लें? तो जवाब है नहीं, इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। आप सुन लेना बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप यहां पे बैठे हैं और आपको किसी दोस्त ने फोन किया और पूछा कि कहां बैठे हो, क्या बोलोगे? जी घर में बैठा हूं। आप यहां पे बैठे हैं और किसी दोस्त ने फोन किया कहां बैठे हो, आप क्या बोलोगे? ओ जी घर में बैठा हूं। आप यहां लॉन में बैठे हैं, किसी दोस्त ने फोन किया, क्या बोलोगे? बाहर बैठा हूं। सर हम बोलेंगे कि मैं घर में बैठा हूं, मतलब लॉन जो है वो घर के अंदर आता है। आप इस किचन में बैठे हो तो कॉल आएगा तो क्या जवाब दोगे? कि भाई मैं अपने घर में बैठा हूं। अगर आप यहां पे खड़े हैं रोड पे और आपको कॉल आया, घर से ही कॉल आया, तो क्या बोलोगे? घर में हूं? नहीं, बाहर हूं। इसका मतलब ये जो बाहर का रोड है इसको आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में क्या मैंने बताया कि हाउस प्रॉपर्टी मींस एक तो बिल्डिंग और उसके साथ जुड़ा हुआ लैंड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और देखा होगा कि कहीं कहीं बार बच्चे ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और खेत में देखते हैं, ये इतना बड़ा खेत होता है और यहां पे कहीं एक छोटा सा मकान होता है, और बच्चे समझ लेते हैं कि ये मकान के साथ जुड़ा हुआ जमीन है। ये मकान के साथ जुड़ा हुआ जमीन नहीं है बच्चे, ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ मकान है। तो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने जमीन से जुड़ा हुआ मकान नहीं बोला, मैंने बोला मकान के साथ जुड़ा हुआ लैंड, जिसको हम अपर टेनेंट लैंड बोलते हैं। अपर टेनेंट लैंड, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका पार्किंग आता है, इसमें आपका प्ले जहां पे बच्चे खेलते हैं, इसमें आपका स्विमिंग पूल आता है, इसमें आपका लॉन आता है, गार्डन एरिया आता है, वो सारी चीज आते हैं। अब आप बोलोगे मैं खेती भी करूंगा पूरे जमीन में, यहां पे मैं खेती कर रहा हूं इतने में और यहां पे रहता हूं, तो इसको मैं हाउस प्रॉपर्टी बोलूंगा पुले को? तो जवाब गलत है ना बच्चे, कॉमन सेंस लगा लीजिए कि ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, बाकी जो एरिया है इसको तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते ना, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स एक मकान और मकान के साथ जुड़ा हुआ जमीन, लॉन जिसको हम बोलते हैं, अपर टेनेंट लैंड। ठीक है बच्चे, चलो अब हम इसी डेफिनेशन को लिखते हैं, लिखना आप मेरे साथ साथ सेक्शन 22। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट
dear to, of which SSC is the owner, shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. सुनना बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं. हाउस प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक. 22 से लेकर 27 तक. 22 तो मैंने बता दिया, इसमें लिखा है कि अगर कोई एनुअल वैल्यू, पूरे साल का वैल्यू किसी प्रॉपर्टी का जिसमें बिल्डिंग आता है और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड आता है और आप उसके मालिक हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसके मालिक हैं और उस इनकम को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लें और डिडक्शंस दे दें सेक्शन 24 में. मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा जी सेक्शन 24 में क्या लिखा है तो आपका जवाब होगा सर सेक्शन 24 में डिडक्शंस दी गई है. यहां तक समझ आ गया बात. और अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे मुझे एनुअल वैल्यू अगर देखना है तो इसके लिए मुझे सेक्शन 23 देखना पड़ेगा. मतलब 22 तो बता दिया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, अब क्या बचा, बाकी के दो तीन सेक्शंस जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में एनुअल वैल्यू क्या होता है. अगर हमें एनुअल वैल्यू निकालना आ गया तो हमारा पूरा कमांड जो हाउस प्रॉपर्टी का है वो हाथ में आ जाता है. पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हाथ में आ जाता है अगर हमने निकाला एनुअल वैल्यू. ठीक है. अब ओनर का मतलब यहां पे क्या होता है. ओनर मतलब होता है, यहां पे स्टार लगा दूंगा मैं, ओनर मींस इंक्लूड्स डीम्ड ओनर. डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर दिया गया है सेक्शन 27 में. देखना बच्चे सारे सेक्शन निकल के आते हैं एक एक करके. ओनर की परिभाषा और डीम्ड ओनर, इनमें डिफरेंस क्या है. सुनना, मेरे पास एक मकान है और यह मकान मेरे नाम पे रजिस्टर है तो यह मकान का मैं ओनर हो गया. लेकिन मेरे पास जो मकान है यह मैंने रेंट पे लिया है. किस पे लिया है? रेंट पे लिया है. और जब मैंने रेंट पे लिया तो मुझे इस मकान को अपने डिजाइन में बनाना था. डिजाइन मतलब मैंने कमरा रेंट पे लिया. अब ये तो मेरा रेंट है ना, रेंट रेंट मैं पे कर रहा हूं इसका, मैं तो ओनर नहीं हूं, मैं तो टेनेंट हूं. लेकिन इस कमरे को मैंने ऐसे डिजाइन किया गया, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इसमें एक स्टूडियो बनाना चाहता हूं अपना जहां मैं रिकॉर्डिंग करूंगा. तो कमरा जो डिजाइन हुआ इसमें मैंने बहुत सारा मशीनरी लगा लिया, इसमें मैंने बहुत सारा खर्चा कर लिया और टोटल डिजाइनिंग में जो खर्चा आया मेरा वो आया 10 लाख रुपए. अब इस 10 लाख को मैं रिवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं मानूंगा, इस 10 लाख का फायदा मैं बहुत सारे साल तक मानूंगा. तो इस 10 लाख से जो पैसा आएगा, इस 10 लाख से जो पैसा आएगा, अब मैंने क्या किया, मैंने खुद रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी और को ये रेंट पे दिया, किसी और को रेंट पे दिया.
तो वो जो इनकम मेरे पास आएगी, उस 10 लाख का जो इनकम मेरे पास आएगा, उसका मैं ओनर माना जाऊंगा, डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। जैसे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन नहीं मिलेगा एक बार में कि आपने खर्चा किया है तो प्रॉफिट में इनकम में से माइनस कर दो और प्रॉफिट निकालो, नहीं। सरकार कहती है कि आप इसको डेप्रिसिएशन के तौर पे ले लो, इस 10 लाख का डेप्रिसिएशन लगा लो। तो जो जब मैं इसको डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट पे, तो ये मेरा एसेट हो गया ये कमरा, तो मैं माना जाता हूं डीम्ड ओनर। या कुछ ऐसे समझाता हूं मैं आपको, अगर मेरे कुछ फ्रेंड थे पहले इंडिया में रहते थे मेरे साथ ही, अब वो फॉरेन में रहते हैं, तो जब वो फॉरेन चले गए, उनके पास एक फ्लैट था, उन्होंने कहा भाई हम यहां आते नहीं है, तू संभाल लियो इस फ्लैट को। तो मैंने उस फ्लैट को क्या किया, किराए पे उठा दिया, किराए पे उठा दिया। उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी, उन्होंने कहा हमें इंडिया कभी आना नहीं है, आपको जो करना होगा आप देख लेना, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो अब इस फ्लैट का मालिक इनडायरेक्टली मैं बना, क्योंकि वो तो कभी आएंगे नहीं। तो सरकार को जब पता चला, सरकार मेरे पास आई, कहा कि भाई इस फ्लैट से जो तू कमा रहा है पैसा उस पर टैक्स दे। मैंने कहा कानून पढ़ा है आपने, कानून क्या बनाया है, अगर कोई ओनर किराए पे देता है तो उसकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में डाल दो और टैक्स लगा लो। ये तो मकान किराए पे जा रहा है लेकिन लगा कौन रहा है, ओनर नहीं लगा रहा, तो आप ओनर को जाके पकड़ो ना। सरकार ने कहा बेवकूफ बना रहे हो, इसीलिए सरकार ने लिखा ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ऑल्सो। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बताता हूं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ये मेरे पास एक मकान है, ये फ्लोर 1 और ये फ्लोर 2, यहां पे मैं खुद रहता हूं, यहां पे मैं खुद रहता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। जहां मैं खुद रहता हूं उसको बोलता हूं मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है बच्चे, अब ये वाला हिस्सा मैंने किराए पे दिया था, ये वाला हिस्सा मैंने किराए पे दिया था, तो जिस हिस्से को मैं किराए पे देता हूं इसको मैं बोलता हूं लेट आउट करना। क्या बोलता हूं, आपने देखा होगा बहुत जगह पे बोर्ड लगे होते हैं टू लेट, तो अगर हम उसको बोलेंगे, हम बोलते हैं कि इसको मकान को मैंने लेट आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया। मैं कौन, मैं ओनर, ओनर, ओनर ने मकान को, अगर वो मकान में खुद रहता है तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेंगे, और मकान को किराए पे देता है तो इसको लेट आउट बोलेंगे। अब जिसको लेट आउट किया था इसको बोलते हैं टेनेंट, इसको बोलते हैं टेनेंट। अब टेनेंट ने क्या किया, टेनेंट ने इतना हिस्सा तो अपने पास रखा और बाकी का जो इसके पास हिस्सा था इसको और सबलेट किया। वर्ड याद रखने आपको, इसको सबलेट किया। सुनना कहानी, ओनर है, ओनर ने यहां पे तो खुद रहता है, इसकी तो कोई इनकम नहीं आएगी, मतलब इनकम आएगी किससे, जो इसने किराए पे दिया, इस पैसे जो टेनेंट को किराए पे दिया है, टेनेंट जब पैसा देगा वो इसके लिए क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टेनेंट के पास जो पैसा आएगा इस सबलेट करने से, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है। सर अगर हम डेफिनेशन देखें तो वहां पे लिखा है कि मकान होना चाहिए, मकान तो है, और मकान के साथ साथ उसको रेंट पे देना है, हाँ रेंट पे भी दिया, और उसके साथ साथ आप उसके ओनर होने चाहिए, ये टेनेंट इसका ओनर नहीं है, तो ये इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, ये इसकी कोई और इनकम मानी जाएगी।
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी है? अगर टेनेंट मकान मालिक को किराया देता है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी है। ठीक है बच्चे, मतलब हमने इसमें क्या सीखा कि सबलेट की इनकम को कभी भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आज सिखाता हूं कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते कैसे हैं। आप लिखना मेरे साथ साथ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ही है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई खतरनाक चैप्टर नहीं है। ऑल्दो इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो हाउस प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको कर सकते हैं। अब फॉर्मेट देख लेना, सबसे पहले मैं ले लूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, पेड बाय एसएससी ओनली। ये जो हमारे पास निकल के आएगा इसको मैं बोलूंगा नेट एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में एनएवी, इसको शॉर्ट में जीएवी बोल सकते हैं। इसमें मैं माइनस कर सकता हूं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। 24 में पहली डिडक्शन है 24A, जो बोलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये मिलता आपको 30% ऑफ एनएवी। फिर 24B में है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, या हम इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो इनकम हमारे पास निकल के आती है इसको मैं बोलता हूं टैक्सेबल इनकम, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखना इस फॉर्मेट में भी कुछ ऐसा खतरनाक चीज है नहीं, फॉर्मेट में भी कुछ ऐसा चीज खतरनाक है नहीं। सुनना, सबसे पहले अगर मैं देखूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, छोड़ दें इसको, डिस्कशन करेंगे इस पर हम, अच्छा खासा डिस्कशन जाएगा इस पर। उसके बाद मैं बोलूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पेड बाय ओनर, पेड बाय एसएससी। इसका मतलब क्या है कि सर आप, मेरे पास एक मकान है, मेरे पास एक मकान है, मैंने उसको किराए पे दिया, तो जो मैं म्युनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा खुद वो यहां पे माइनस होंगे। अब मैंने टेनेंट को कहा कि भाई देख जो तुझे मकान मैंने दिया इसका जो म्युनिसिपल टैक्स है वो तुझे पे करना पड़ेगा, क्या वो म्युनिसिपल टैक्स यहां माइनस होंगे? जवाब है नहीं, वो म्युनिसिपल टैक्सेस यहां माइनस नहीं होंगे। अब एक और हो सकता है, मैंने किराएदार को कहा देख मेरे पास अभी पैसों की तंगी है, म्युनिसिपल टैक्स पे करना है, जो तू मुझे किराए देता है मैं उसमें से एडजस्ट कर लूंगा अगर तू आज म्युनिसिपल टैक्स पे करेगा। मतलब मेरे किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया और बाद में मैंने उसको एडजस्ट किया जो मेरी इनकम थी, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ये पैसा मेरे ही से जेब से ही तो गया,
मुझे जो पैसा लेना था मैंने नहीं लिया उससे, क्योंकि वो पैसा मेरे नाम पे मेरे बदले उसने कहीं और जमा कर दिया। तो ऐसे को हम यहां पे माइनस कर सकते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एसएससी ओनली, मुझे लगता है इससे ज्यादा इस पर चर्चा करना बेकार है। जो एसएससी ने खुद पे किया हो म्युनिसिपल टैक्सेस, सिर्फ वही यहां पे माइनस होते हैं। और सर इसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू, क्या इस पे चर्चा करने की जरूरत है? आप कोई सिक्स क्लास फिफ्थ क्लास के बच्चे नहीं है जो मैं आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखा लूं। इसमें से ये घटाना है तो आएगा एनएवी, ठीक है जी। चलिए, और ये जो डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई डिस्कशन हमें करना चाहिए, क्योंकि सर जो यहां पे आया उसी का तो 30% लेना है, समझे मेरी बात? जो एनएवी आया उसी का 30% यहां पे माइनस करना है, कहानी खत्म। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन को कुछ नहीं करना, जस्ट जो एनएवी आया उसी का 30% यहां पे लेना है। मतलब सर कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक तो विषय का चैप्टर टॉपिक जो बनता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये दो की चर्चा अगर हमारी हो गई तो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करें किसकी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को बढ़ाने से, चर्चा करने से पहले मैं कुछ चीजों से आपका मुलाकात कराना जरूरी समझता हूं। देखना, पहले सबसे पहली चीज म्युनिसिपल वैल्यू, इसको हम एमवी भी बोल सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है सुनना, ये ऐसा वैल्यू है जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है। द वैल्यू एसेस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी, वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग इज नोन एज म्युनिसिपल वैल्यू। मतलब सर दो लोग बैठे थे मेरे मकान के नीचे और मेरी मकान की ओर देख रहे थे, मैं चला आया, मैंने कहा हाँ जी क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं मकान को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा मकान है। मैंने कहा हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं हम ये सोच रहे हैं कि अगर इस मकान को हमने किराए पे दे दिया तो पूरे साल ये 2 लाख रुपए कमा के देगा। मैंने कहा हेलो मकान आपका है? उन्होंने कहा नहीं, तो किराए पे कैसे दोगे? अरे आप नाराज क्यों हो रहे? अरे नाराज ना हो तो और क्या हूं, मकान मेरा है, मकान मेरा है तो किराए पे देने का हक भी मेरा है, आप कौन होते हैं? अरे आपने पहचाना नहीं, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट। मतलब जब भी आपका म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के हिसाब से म्युनिसिपल वैल्यू निकलेगा तो उसको तय करने के लिए कुछ लोग आएंगे और वो बताएंगे कि आपका जो मकान का वैल्यू है पूरे साल में ये कितना रेंट कमा के दे सकता है। अब एक ही टाइप के मकान है, एक अच्छी लोकेलिटी में है, एक बहुत बेकार लोकेलिटी में है, तो बताइए म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा किसका होगा, अच्छी लोकेलिटी वाले का या बुरी लोकेलिटी वाले का? सर ऑब्वियसली बात है, जहां पे अच्छी लोकेलिटी है सोसाइटी वाला है तो वहां पे तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि वहां पे लोग क्या चाहेंगे, साफ सुथरी जगह है तो रेंट भी हाई आएगा तो म्युनिसिपल वैल्यू भी उसका हाई होगा। ओके चलो, उसके बाद है दूसरा फेयर रेंट। फेयर रेंट को हम बोलते हैं एफआर, फेयर रेंट, फेयर रेंट को बोलते हैं हम एफआर। अब ये जो फेयर रेंट है इसका क्या मतलब है सुनना, मेरे पास एक कमरा है, मैंने उसको किराए पे दिया,
सरकार मेरे पास आई और मेरे से कहा कि कितने पे किराए पे दिया है। मैंने कहा जी सरकार आजकल तो दाम कुछ नहीं चल रहा है, बस 10,000 रुपये आ रहे हैं पूरे महीने के और साल के 1,20,000 रुपये आए। तो जो सरकार है उन्होंने सेम तरह का कमरा पड़ोसी के पास देखा, शब्द को ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पड़ोसी के पास देखा, तो सेम लोकलिटी में होगा, पड़ोसी कहां रहता होगा, बगल में। तो बगल में जो मेरा पड़ोसी रहता था उसके पास सेम कमरा था, सरकार ने उससे पूछा तुमने कितने पे किराए पे दिया है। पड़ोसी मेरा बड़ा शातिर था, उसने कहा सरकार मेरे तो 20,000 रुपये आते हैं हर महीने, तो पूरे साल में 240 कमा लेता हूं। जैसे ही सरकार ने यह सुना दौड़ा दौड़ा सरकार कहां आएगा, मेरे पास, और मुझे कहेगा कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आपका पड़ोसी अगर 2,40,000 पूरे साल कमा सकता है तो आप 1,20 कमा रहे हो, इसका हमने यकीन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि आपका मकान भी पूरे साल में 2,40 कमा लेगा। हम मान लेंगे कि आपने भी पूरे साल कितना कमाया होगा, 2,40,000। अरे ऐसे कैसे मान लोगे, हम सरकार हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। फेयर रेंट मतलब जो आसपास की लोकलिटी में, सेम लोकलिटी में सेम तरह का मकान कितने पे किराए पे चढ़ सकता है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, म्युनिसिपलिटी जो डिसाइड करती है आपके मकान के वैल्यू वो होता है म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट, सर फेयर रेंट होता है कि सेम लोकलिटी में सेम तरह का मकान कितने पे किराए पे चढ़ सकता है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट इसको हम SR भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या, SR ये क्या है, ये है बच्चे, ये हर सिटी में नहीं लगता, ये लगता है उन सिटीज में जहां पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब हर सिटी में नहीं लगता, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है स्टैंडर्ड रेंट होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट, दैट कुड बी चार्ज फ्रॉम द टेनेंट, कि आप इससे ज्यादा किराएदार से नहीं ले पाएंगे। दिस इज नॉट द बाउंडेशन, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझाओगे, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज होता है इस चीज में हमेशा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है बच्चे सुनना, सरकार मेरे मकान में आया और मेरे मकान को देखा, बड़े बारीकी से देख रहा है और यह अंदाजा लगाया कि अगर कोई रेंट पे यहां रहेगा वो किराएदार ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है इस मकान का, और मकान की हालत उन्होंने देखी और उन्होंने यह लगाया कि इस मकान में ज्यादा से ज्यादा एक किराएदार 10,000 या 15,000 रुपए दे सकता है। तो जो स्टैंडर्ड रेंट है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट दैट अ टेनेंट कुड पे फॉर द बिल्डिंग, दैट अ टेनेंट कुड पे फॉर द बिल्डिंग मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो आप टेनेंट से ले सकते हैं अपने मकान के लिए उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड रेंट। समझ आ गया इतना, जी सर समझ आ गया। अब एक और है एक्चुअल रेंट, इसको हम AR भी बोलते हैं। एक्चुअल रेंट क्या है भाई, एक्चुअल रेंट मतलब कि एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास किराएदार आया, सरकार ने अंदाजा लगाया था कि आपका मकान पूरे साल में 2,40,000 कमा के देगा, लेकिन फेयर रेंट जब देखा गया कि पड़ोसी का मकान तो 3,00,000 में उठ रहा है, तो फेयर रेंट सरकार ने क्या माना कि हां आपका मकान आप कितना देगा, 3,00,000। स्टैंडर्ड रेंट जब लगाया, स्टैंडर्ड रेंट में सरकार ने कहा कि आप कोई भी किराएदार अगर होगा तो इस मकान के 2,50,000 से ज्यादा नहीं दे सकता,
और एक्चुअल में जब आपने किराए पे दिया तो आपने हर महीने एक किराएदार से 25,000 रुपए ले लिया। अगर हम देखें तो ये पर अनम होता है हमेशा, ये पर अनम होता है हमेशा, ये पर अनम होता है हमेशा और ये पर मंथ होता है हमेशा। तो एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट में आपको यह बताना पड़ेगा सरकार को कि एक्चुअल में आपके पास पैसा कितना आया। ठीक है बच्चे, अब मैंने मकान किराए पे दिया है 12 महीने के लिए और मेरे पास किराया आया है 10 महीने का, तो सरकार टैक्स कितने पे लगाएगी, 12 महीने या 10 महीने? सरकार कितने पे टैक्स लगाएगी, 12 महीने या 10 महीने? सोच के बताना। सर हमें लगता है सरकार को 10 महीने पे टैक्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जब 10 महीने का किराया आया तो सरकार 12 पे क्यों लेगी? सरकार ने कहा बात तो ठीक है तेरी, लेकिन मुझे यह बता तू झूठ बोल सकता है, इंसान की फितरत, झूठ बोल सकता है तू, और तू इस झूठ के सहारे मुझे बता सकता है कि भाई साहब 12 महीने तो किराए पे चढ़ा था, 10 महीने का किराया आया, 2 महीने किराया नहीं आया, किराएदार भाग गया, किराएदार भाग गया। अगर किराएदार भाग गया है तो उसने पैसे नहीं दिए होंगे, तो आप झूठ मूठ करके 10 महीने क्या करोगे, मनवा लोगे मुझसे? तो सरकार ने कहा मैं कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं टैक्स लगाऊंगा 12 महीने पे। अब क्या हुआ, मैंने 10 महीने किराए पे दिया था और 10 महीने का रेंट आया, अब क्या होगा, सरकार कितने पे टैक्स लगाएगी, 12 महीने या 10 महीने? सर 10 महीने किराए पे दिया था, 10 महीने रेंट आया, तो मतलब पूरा रेंट आया है ना, बाकी का 2 महीना जो है वो तो वैकेंट रहा होगा, वैकेंट 2 महीना, इसमें तो किराया नहीं आया होगा, खाली रहा होगा। अगर खाली रहा है तो सरकार ने कहा ठीक भाई, अगर खाली है तेरा मकान, उसमें जबरदस्ती हम पीट पीट के थोड़ी ले लेंगे तेरे से कि नहीं पैसा देना है, पैसा देना है, किराया आएगा कहां से आएगा भाई, जब खाली था मकान तो किराया कहां से आएगा, मतलब किराए पे चढ़ा ही नहीं। तो सरकार ने कहा अगर वैकेंट है आपका तो इस वैकेंट पीरियड का हम टैक्स नहीं ले लेंगे। समझ आ गया? अब मैंने 10 महीने किराए पे दिया था और 8 महीने का रेंट आया। सर पहला ही केस फिर से हुआ, पहले केस में कुछ समझाना था इसीलिए मैंने फिर से ले लिया। 10 महीने किराए पे दिया और 8 महीने का किराया, मतलब कितने महीने का किराया नहीं आया, 2 महीने का नहीं आया। ये जो 2 महीने का किराया नहीं आया इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह पैसा मैं नहीं ले सकता अपने टेनेंट से। सरकार ने कहा देख भाई बेवकूफी वाली बातें हमसे ना किया कर, तेरा मकान है, तू अपने मकान में किसी को भी बिना किराए दिए हुए छोड़ नहीं सकता, मतलब तू हर किसी से किराया ले सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और लॉजिकल भी है, हमेशा किराया एडवांस में लिया जाता है। अब सरकार ने कहा ठीक है, अगर तू कहता है कि अनरियलाइज्ड रेंट है मेरा, मेरी 4 कंडीशन पूरी कर ले, मैं इस किराए को माफ कर दूंगा, इस वाले किराए पे टैक्स नहीं लूंगा। ऊपर क्या बताया था मैंने कि मैं भाई बराबर टैक्स ले लूंगा, लेकिन सरकार ने कहा कुछ कंडीशंस है मेरी, अगर तुमने इन 4 कंडीशंस को पूरा कर लिया तो इस अनरियलाइज्ड रेंट पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। सुनना कंडीशन क्या थी। कंडीशंस फॉर अनरियलाइज्ड रेंट, पहली कंडीशन टेनेंसी इज बोनाफाइड, कि टेनेंसी जेन्युइन है,
आपके घर में सच में कोई किराएदार था और फिर वो किराए लेके भाग गया, किराए लेके भाग गया, अगर बोनाफाइड है, जेन्युइन है टेनेंसी, तब तो मान लेंगे, अगर नहीं है तो वैकेंट मान लो। अगर टेनेंट है, किराएदार है और फिर उसने किराया नहीं दिया, तो आप बता सकते हो कि हाँ टेनेंसी इज बोनाफाइड। और ये कैसे पता चलेगा? सर रेंट एग्रीमेंट होता है हमारे पास, तो उससे ये चीजें पता चल जाती है। केस नंबर टू, आपने जब किराएदार आपका भाग गया था पैसा लेके, तो क्या आपने कोई स्टेप उठाया उस पैसे को रिकवर करने के लिए? सर मैं समझा नहीं, क्या आपने कोई लीगल स्टेप उठाया उस किराएदार को पकड़ने के लिए और वो पैसा रिकवर करने के लिए? और ये सब छोटा मोटा मसला था, अब इसमें क्या रिकवरी के लिए मैं स्टेप्स उठाता? छोटा मोटा मसला है ना, तो कोई बात नहीं, टैक्स भी तो इस पर छोटा मोटा ही आएगा, देने दो। नहीं सर टैक्स कैसे दे दें? तो फिर हमें यह बताओ कि अगर तुमने कोई लीगल स्टेप उठाया है इसके लिए, तो हम इसको मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर लेंगे। मतलब एसएससी हैज टेकन ऑल द लीगल स्टेप्स to recover the money, कि एसएससी ने पुलिस का केस किया हो, कंप्लेंट किया हो, एफआईआर किया हो और पुलिस को बताया हो कि मेरा किराएदार भाग गया है पैसे लेके, आप मुझे मेरा पैसा दिला दो। ठीक है जी। नंबर थर्ड सुनना, आपने कहा जी किराएदार भागा नहीं है, उधर ही रहता है, तो दिक्कत क्या है, किराए क्यों नहीं देता? जी जब भी मैं किराए लेने के लिए जाता हूं, बोलता है सेठ जी अंदर आ जाओ, जैसे मैं बैठता हूं और सामने गन रख के बोलता है बोलिए क्या कहना चाहते थे आप, जैसे तैसे करके मैं वहां से बाग के बाहर निकलता हूं, मेरे से पानी भी नहीं पिया जाता। तो मैंने कहा निकाल क्यों नहीं देते उसको वहां से? उसने कहा वहां से तो निकाल देता, बट एक और दिक्कत है, दो और प्रॉपर्टीज उसके पास है जहां पे वो रहता है, एक में बिजनेस करता है और एक में उसका गोडाउन है। मैंने कहा वहां से पैसा आता है? हाँ जब मैं उसके ऑफिस में जाता हूं बिल्कुल पैसे हाथ में पकड़ा देता है, गोडाउन में जाता हूं पैसे हाथ में पकड़ा देता है, ये लो पैसा। सरकार ने कहा तू झूठ बोल रहा है, टेनेंट कभी भी ड्यूअल पर्सनैलिटी का नहीं हो सकता। अगर कोई गुंडा है तो वो गुंडा ही रहेगा, और अगर एक जगह गुंडा है दूसरी जगह शरीफ है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हां अगर ऐसा है भी तो उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी से निकाल दो, सारी प्रॉपर्टी से निकाल दो, तुम्हारी किसी भी प्रॉपर्टी में वो नहीं रहना चाहिए। आपने कहा जी सरकार ये क्या है, एक जगह से तो निकाल दूं, दो जगह तो पैसा आ रहा है, मैं क्यों निकालूं वहां से? सरकार ने कहा तो भूल जाओ इस पैसे को, अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कराना है तो आपको उस टेनेंट को अपनी हर एक प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा। तो नंबर थर्ड है हमारे पास, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द एसएससी। टेनेंट ने हर कोई प्रॉपर्टी वैकेट की हो जो भी एसएससी के पास हो। ठीक है, नंबर फोर एंड लास्ट, चार ही कंडीशन मैंने बताया था ना, तो लास्ट कंडीशन है सेटिस्फाई एओ। एओ कौन होता है? एसेसिंग ऑफिसर। एसेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर लो, उसको यकीन दिला दो कि हां अब इस पैसे का वापस आना इम्पॉसिबल है, देयर इज नो चांस टू रिकवर दिस मनी, तो क्या होगा? तो एसेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम इस अनरियलाइज्ड रेंट को माफ करेंगे। सर क्या हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा?
कि टेनेंट हैज फुलफिल्ड ऑल द नेसेसरी कंडीशंस टू क्लेम अनरियलाइज्ड रेंट। नहीं बच्चे, ये आपके नॉलेज के लिए था, लेकिन अगर कहीं पे नहीं दिया है तो आप हमेशा क्या मानेंगे? आप मानेंगे कि ऑल द कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड, और हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करोगे जब तक कि वो क्वेश्चन में खुद ना बता दें कि अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस नहीं करना है, तब तक आप अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करते रहोगे। ठीक है सर, आपने कहा था हम सेक्शन 23 देखेंगे आज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हमने निकालना सीखा, समझ लेना कि सारा का सारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इस चीज पे बेस्ड है। अगर ये आपने निकाल लिया तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अब सुनना मैं क्या करता हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए मैं ले लूंगा सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू को और फेयर रेंट को। सरकार ने कहा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो हायर होगा, क्या होगा हायर, उसको ले लो। अब मैंने हायर ऊपर मैंने लिखा था, शायद म्युनिसिपल वैल्यू है 240 और फेयर रेंट है 300,000। इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको नहीं लिखना है, 240 और यह 300,000, तो हायर इसमें से कितना आया 300,000। इस हायर को लेने के बाद मैं ले लूंगा हायर और स्टैंडर्ड रेंट। 300,000 और स्टैंडर्ड रेंट में से जो लोअर होगा, सर लोअर क्यों लिया हमने? बेटा जी जब सरकार ने कहा कि इससे ज्यादा किराएदार दे ही नहीं सकता, तो आप किराए सरकार को क्यों बोल रहे हो यहां से कि हां नहीं इससे ज्यादा दे सकता है? सरकार ने कहा इससे ज्यादा नहीं दे सकता आपके मकान का कोई पैसा, तो इसमें हमेशा क्या ले लेंगे लोअर। और स्टैंडर्ड रेंट मेरा था 250,000। ठीक है, अब ये जो लोअर आया इसकी तुलना हम करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना आ रहा था मेरे पास, 25,000 पर मंथ। तो बताइए पूरे साल का मैंने कमाया 300,000, पूरे साल का मैंने कमाया 300,000। ये कितना था लोअर, 250,000। सरकार ने कहा कि अगर एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन लोअर अमाउंट है, इसका नाम रख देते हैं कुछ, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें बताओ, फेयर रेंट नंबर वन, या वो नंबर वन है इसको नंबर टू कर देते हैं, फेयर रेंट नंबर टू। सरकार ने कहा अगर एक्चुअल रेंट, इसमें देखना है इन दोनों में, इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन FR2, मतलब आपको सरकार ने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो कितना, 250,000, लेकिन आपने सरकार को बताया कि सरकार मैंने कितना कमाया 300,000। सरकार ने कहा ठीक है तो 300,000 पे टैक्स दे दो, तो GAV इज इक्वल टू 300,000, या हम GAV किसको मानेंगे, एक्चुअल रेंट को। ठीक है, ये एक केस हुआ, ये एक केस हुआ। दूसरा केस, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन FR2, एक्चुअल रेंट इज लेस देन FR2, तो क्या होगा, तो मैं
दो कंडीशन चेक करूंगा, क्या ड्यू टू वैकेंसी है या कोई अदर रीजन है। ध्यान देना, इसको समझाने के लिए मैं ऊपर थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूं। ये जो 25,000 पर मंथ आया मेरे पास, मैंने किराए पे लगाया था सिर्फ इसको 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए किराए पे लगाया था और 4 महीने वैकेंट था। तो मेरा जो एक्चुअल रेंट आया होगा वो कितना आया होगा, वो आया होगा 8 × 25,000, 2 लाख रुपए। तो ये आया होगा 2 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट कितना आया होगा, 2 लाख। ध्यान देना, बहुत दिमाग लग रहा है यहां पे, अभी लगाने की बारी है। तो मुझे बताइए, क्या ये 2 लाख इसलिए कम है क्योंकि वैकेंट था? अगर वैकेंट नहीं होता, अगर वैकेंट नहीं होता तो 4 महीने का, 4 महीने का मैं और कमा लेता, और 4 महीने का मैं कमा लेता 25,000 × 4, वो होता 1 लाख रुपए। ठीक है जी, 4 महीने का मैं 1 लाख रुपए कमा लेता। मतलब ये इसलिए कम आ रहा है 2 लाख क्योंकि मैंने 4 महीने का किराए पे नहीं चढ़ाया था। अब ड्यू टू वैकेंसी अगर है तो हम मान लेंगे जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। सरकार समझदार है, सरकार ने कहा आपने किराए पे चढ़ाया ही नहीं तो हम आपसे टैक्स क्यों ले लें। लेकिन अब हुआ ऐसा कि आपने, सरकार ने कहा था स्टैंडर्ड रेंट है 3 लाख। कितना, 3 लाख, और आपने किराए पे चढ़ाया है 20,000 रुपए और पूरा 12 महीने चढ़ाया है। सुनना मैं क्या कर रहा हूं, आपने किराए पे चढ़ाया है 20,000 रुपए पर मंथ और पूरे 12 महीने किराए पे चढ़ा है, तो पूरे साल में आपने कितना कमाया होगा, 20,000 × 12, 2,40,000। मतलब एक्चुअल रेंट जो है वो आपने कमाया है 2,40,000। 2,40,000। तो आप मुझे बताइए, एक्चुअल रेंट इसलिए कम है क्या, एक्चुअल रेंट इसलिए कम है क्या क्योंकि आपने किराए पे नहीं चढ़ाया था? सर चढ़ाया तो 12 महीने था, तो किराया फिर भी कम आया। हाँ जी सर, फिर भी कम आया। जबकि किराया किसी और रीजन से कम आया तो सरकार ने कहा हम मान लेंगे जीएवी इज इक्वल टू FR2। सर ये कुछ समझ नहीं आया, बहुत दिमाग वाली चीज है। सुनना बच्चे, आप इस चार्ट को बना लेना और इसमें से जो मैंने ये लिखा है, अमाउंट लिखे हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, और मैं इसको नीचे फिर से समझाने जा रहा हूं, मैं नीचे फिर से समझाने जा रहा हूं। एक और तरीका है समझने का, बिल्कुल आसान सा तरीका। हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से निकालेंगे हायर, और ये जो हायर आया इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से लिख लेंगे लोअर। क्या ले लेंगे, लोअर। ये जो लोअर आया ना बच्चे, इसका नाम हम रखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना करते हैं हम हमेशा एक्चुअल रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। लेकिन ध्यान रखना है हमेशा, ऊपर भी मैं ये कहना भूल गया,
एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब क्या इसका कि जब मैं एक्सपेक्टेड रेंट की और एक्चुअल रेंट की तुलना करूंगा तो हमेशा मैं क्या करूंगा, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करूंगा। हमेशा एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करूंगा। यह क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि सर हमने कहा था कि वी विल एज्यूम ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट में से और एक्चुअल रेंट में से अगर मुझे लेना है कौन सा, मुझे इनमें से देखना है हायर कौन सा है, हायर मुझे देखना है हायर कौन सा है, तो जो हायर होगा वो मैं ले लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करूंगा। ठीक है, अब ये जो हायर आया इसमें से मैं माइनस करूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मेट समझ ना आया हो तो ये सबसे इजीएस्ट वे है समझने के लिए कि उसमें से लेस करूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो जो मेरे पास आया इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ऊपर इतना लंबा चौड़ा चार्ट बनाया आपने और यहां पे आपने बिल्कुल चंद लफ्जों में समझा दिया। बेटा जी दोनों तरीके पता होने चाहिए, क्या पता कभी कौन सा तरीका आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला तरीका सबसे इजी होता है स्टूडेंट्स को समझना कि पहले म्युनिसिपल वैल्यू ले लो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको ले लिया। उस बड़े की तुलना करेंगे हम किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और उसमें से जो लोअर आया लोअर का नाम हमने रखा एक्सपेक्टेड रेंट, और जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसकी तुलना हमने करनी है एक्चुअल रेंट से बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, अब इन दो में जो सबसे ज्यादा होगा हायर होगा उसमें से हम माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी अगर कोई है, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं इफ एनी, अगर है तो लेस होगा, अगर नहीं है तो नहीं लेस होगा। मतलब लॉस मेरा हाउस वैकेंसी से कब होगा, जब मैंने 12 महीने किराए पे ना चढ़ाया हो, मैंने किराए पे चढ़ाया होगा उससे कमती महीने पे, 8 महीने पे, 10 महीने पे, 12 महीने एग्जैक्ट ना चढ़ा हो किराए पे। ठीक है जी, हाँ जी सर, जीएवी तो समझ में आ गया। अब जीएवी पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपको देने के लिए, क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए। ये जो मैंने आपको अभी तक दिखाया था, मैं एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालता हूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको मैं लेता हूं क्या, एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट मतलब एमवी और एफआर इन दोनों का हायर, फिर एफआर ये जो आया हायर और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों का लोअर, हमेशा इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, लेकिन लिखा है इसमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ, क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गया। ये जो हायर आया स्टेप वन का और स्टेप टू का, इसमें से माइनस करते हैं हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो आया इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप थ्री माइनस स्टेप फोर इसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। फिर वही चलेगा म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी, डिडक्शंस, ये ऐसे ही चलेगा। अब मुझे आपको देने हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, क्वेश्चंस पे आएंगे आप जी। आप कोशिश किया करें कि जो मैं सॉल्यूशन देता हूं बुक में उसको ना देखें।
सबसे बेस्ट रहता कि आप सॉल्यूशंस को ना देखें, इनको इग्नोर करके आप क्वेश्चंस को करें। मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सॉल्यूशन मैं क्यों देता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चा खुद प्रैक्टिस करता है और क्वेरीज पूछने से डरता है, तो मैं सॉल्यूशन देता हूं बुक्स में। अदरवाइज मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप 9811860174 पे मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर लेना, तो आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। तो आप केस नंबर 1 होमवर्क में ले लेंगे। इसमें क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट जीएवी। केस नंबर 2 भी आपका होमवर्क में जाएगा, और इसमें से अलग अलग ये कितने क्वेश्चंस है, 5 है, एक्स वाई जेड ए बी, सबका अलग अलग है। और आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना कि आपके ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में जो थे ये आपके हुए हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है अभी चल रहा है, पहला लेक्चर तो ओवर हो गया है, अभी मे बी एक या उससे ज्यादा लेक्चर लग सकते हैं, तो हम बाकी के लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और होमवर्क कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।